बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे ये बोला कि विदाउट कोलेट्रल हम आपको बिल्कुल भी लोन नहीं दे सकते। एंड SBI स्टेटेड दैट पहले आप कोलेट्रल आओ, उसके बाद हम आपको सिर्फ 7.5 लाख तक का लोन देंगे, उसके अलावा नहीं। एंड आई वेंट टू अदर बैंक्स आल्सो जहां पे उनका लोन इंटरेस्ट ही 15-16% था, जहां पे मुझे पार्शियल अपना EMI पे करना पड़ता मेरे मॉरेटोरियल पीरियड में। सो गाइज, यहाँ पे बहुत हैक्टिक हो गई थी चीजें। एंड फॉर मी, वी डोंट हैव एनी कोलेट्रल जो हम एज अ प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं बैंक में। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग नंगवाल चंद्रा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ आई गॉट 40 लाख ऑफ नॉन कलेक्टर लोन इन जस्ट 7 डेज, वो भी गवर्नमेंट बैंक से। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात कर लेते हैं, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपके मन में एक टेंशन होती है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए, आपका जो स्पॉन्सर है उनकी ITR आपके पास होनी चाहिए, उनका एक वैलिड प्रोफेशन होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो सैलरीड भी हो सकते हैं, वो इम्प्लॉय भी हो सकते हैं प्रेजेंट वर्किंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट सिविल स्कोर आप लोन में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आपके पास कोलेट्रल है तो येस यू हैव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट हेयर कि आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, बट अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है तो कंपनी आपको लोन देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि एग्जैक्टली मेरा क्या प्रोसेस रहा है। वैसे मैंने एक वीडियो डाला था बट उसमें मैंने डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक मांगने वाली है रिगार्डिंग योर एजुकेशन लोन। तो गाइस, सबसे पहले मेरे केस में बात करें तो मेरा कोई भी ऐसी कोलेट्रल या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं एज अ कोलेट्रल दिखा पाऊँ बैंक को, तो दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। और बिना कोलेट्रल के लोन मिलना इज रियली हार्ड। तो उसके बाद व्हाट आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, मैंने प्राइवेट बैंक भी चेक किया, HDFC बैंक चेक किया, ICIC, एक्सिस, तो इस सब जगह से मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आया। बस एक कंडीशन यहाँ पे दी गई थी कि सबसे पहले आपको अपना कोलेट्रल यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सो मुझे कैसे एग्जैक्टली 40 लाख का विदाउट कोलेट्रल लोन मिल गया, वो भी सिर्फ 7 डेज में। और मैं सच बताऊँ तो ये कुछ एक मैजिक से कम नहीं था, बट क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था, जब मैं ये प्रोसेस को शुरू करने वाली थी ना तो मैंने चेक किया था एग्जैक्टली कि कौन कौन से कहाँ से हम करते हैं। तो मे बी आपने सुना होगा ज्ञानधन या फिर वीमेक स्कॉलर्स ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। एक्चुअली मैंने भी सुना था और मैंने चेक भी किया था, तो मैंने वीमेक स्कॉलर्स पे थोड़ा सा लाइक अपनी क्वेरी डाली थी कॉलिंग बैक रिक्वेस्ट करके। मुझे उन्होंने एक अपॉइंट की थी, एक एग्जीक्यूटिव जो कि मेरी हेल्प कर रहे थे, बट काफ़ी टाइम बाद भी मुझे ना काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। वंस आई गेट माई ऑफर लेटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने उन्हें शो किया एग्जैक्टली कि देखो मुझे यहाँ से मिला है ऑफर लेटर, एंड लेट मी नो कि मुझे नॉन कोलेट्रल कहाँ से मिलेगा। नॉन कोलेट्रल मुझे अगर मिल रहा है तो वो 15% के इंटरेस्ट में मिला था जो कि बहुत ज़्यादा था। देन दे हैव इन्फॉर्म मी कि यूनियन बैंक में एक प्रीमियम वाली फैसिलिटी है जहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा विदाउट कोलेटरल अप टू 40 लाख। सो गाइज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ डेटा साइंस बूट कैंप के बारे में, जो कि 6 महीने का है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स रोल, और आप इस फील्ड में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो और आपको सर्टिफिकेशन करना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन डू योर सर्टिफिकेशन विद डेटा साइंस। और आपको यहाँ पे बहुत सी नॉलेज मिलती है A to Z। थोड़ा सा वेबसाइट भी लेके चलते हैं और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो गाइज, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया, यहाँ पे ओडिन स्कूल आपको देता है डेटा साइंस बूट कैंप फॉर 6 मंथ लाइव क्लासेस के साथ अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। 30 सितंबर इनका कमिंग कोहरेट है, 99,000 प्लस GST इनकी फीस है गाइज। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे 30,000 तक की स्कॉलरशिप प्लस यहाँ पे 10,000 तक का आपको अलीबर्ड ऑफर भी मिल जाएगा। एंड गाइज, दे हैव मोर देन 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स, और उसके अलावा भी यहाँ पे जो जॉब डिटेल्स हैं सारी अपॉर्चुनिटीज आपको एवरी वीक के यहाँ पे मिल जाएगी। इनके वेबसाइट पे जैसे कि 375 अभी जॉब अपॉर्चुनिटी है डेटा साइंस में, 26 हाईएस्ट LPA गया है अभी, और मिनिमम भी आप चेक कर सकते हो 7 LPA है, प्लस जो जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो सारे यहाँ पे मेंशन है पर्टिकुलर कंपनी की। और जॉब रोल्स डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, ML इंजीनियर, पावर BI डेवलपर, ये सारे जॉब रोल में आप जा सकते हो वंस यू डन विद दिस कोर्स। मोर ओवर दे विल हेल्प यू अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स लाइक रेज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, बिहेवियर स्किल वर्कशॉप एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप टॉपिक चेक कर सकते हो क्या क्या इनके कोर में है, SQL, Python, Statics, EDA, मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, स्टोरी टेलिंग एंड गिट और GitHub। टूल टेक्नोलॉजीज में आपको कोलैब मिल जाएगा, एनाकोंडा मिल जाएगा, 2 ईयर तक की अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं गाइज। एंड मेन थिंग इज कैपस्टोन प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे, तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं जहाँ पे आप रियल टाइम एक्सपीरियंस सीखते हो और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो अपने प्रोजेक्ट में। इलेक्टिव्स में इनके पास है गाइज पावर BI, PySpark, जिसमें टॉपिक कवर्ड है NLP, ETL, Azure, एडवांस एक्सेल, एडवर्ड डेटा फैक्ट्री एंड पावर BI एडवांस, ये सब आप पढ़ने वाले। फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट टेक्नोलॉजीज है जो आपको पढ़नी होंगी, जैसे PySpark है, Azure है, एडवांस एक्सेल है, प्लस आप कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल यू कैन ऑल्सो डाउनलोड देयर ब्रोशर।
एज यू कैन सी इन द स्क्रीन COVID-19 प्रेडिक्शन, ये एक इनका प्रोजेक्ट है। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ऑप्शंस मिलेगा मल्टीपल, आप इनके प्रोजेक्ट देख सकते हो किस किस लैंग्वेज पे बेस है। एंड गाइस अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 59,000 प्लस GST पे करके आप बूट कैंप में एनरोल कर सकते हो, प्लस 5,000 प्लस GST पे करके सीट भी रिजर्व कर सकते हो। ये लिमिटेड ऑफर है, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, तो हरी आप फटाफट से एनरोल कर लीजिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओडियन स्कूल का जो बूट कैंप है थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है और उससे, क्योंकि अब जो प्राइस है वो थोड़ा सा रीजनेबल है, स्कॉलरशिप मिलती है, करिकुलम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है, प्लस यहाँ पे जो कैरियर सर्विसेज है वो आपको दी जाती है, डेडिकेटेड सपोर्ट टीम मिलती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ सैलरी नेगोशिएशन में हेल्प करते हैं। और आप इनके वेरिफिकेशन के लिए गूगल एंड बूट कैम्प NPS में भी इनके रिव्यूज चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ की इनकी पार्टनरशिप है, सर्टिफाइड है, ये मेंबर्स कहाँ के हैं, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो हरी अप गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यहाँ पे EMI में आप पे कर सकते हो फीस 3, 6 and 12, 9 ऐसे मंथ में फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं इनके। एंड साथ ही साथ इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्स, 10 दिन में आपको अपनी फीस रिफंड हो जाती है। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको चेक करनी पड़ेंगी। और गाइज यहाँ पे आप इनका सर्टिफिकेशन देख सकते हो, वंस यू हैव डन विद योर कोर्स ये सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, जो कि आपको हेल्प करने वाला है मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, इंटरव्यू के साथ, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड विद डेटा साइंस कोर्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड विद ओडियन स्कूल, गो एंड एनरोल विद देम। कमिंग कोहरेट आने वाला है, सो यू कैन एनरोल वेरी क्विकली। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इश्यूज है, आप डायरेक्टली उनको कॉलिंग बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वीमेक स्कॉलर से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे यूनियन बैंक के बारे में बताया, देन आई वेंट देयर। पहले तो सब कुछ कॉल पे हो गया था, ट्रस्ट मी मुझे बैंक के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनसे पूछा नॉन कोलेट्रल, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है। इफ यहाँ पे कंडीशंस लगती है, ऐसे ही नहीं आपको मिल जाएगा। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो और आपके पास गाइज यहाँ पे RMIT या फिर डीकेन या फिर मेलबर्न ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी है जो उनकी प्रीमियम लिस्ट में आती है, अगर ऐसी कुछ आपके पास यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे विदाउट कोलेट्रल। बट अगर इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी है देन आपको कोलेट्रल भी शो करना पड़ेगा और आपका इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा। तो मेरी कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो गई थी कि मुझे उस यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिला था जहाँ इनकी ये प्रीमियम लिस्ट पे आता है। तो एक मैं चीज आपको बता दूं, सिर्फ यूनियन बैंक ही नहीं, हर एक बैंक का अपना एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट होता है और इन्होंने अपनी एक प्रीमियम लिस्ट सेट की होती है अलग अलग कंट्रीज की, जहां पे ये ऐसे टॉप लेवल लाइक यूनिवर्सिटी को एनरोल करके रखते हैं कि अगर स्टूडेंट का इसमें से कोई यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होगा तो वी विल प्रोवाइड द एजुकेशन लोन। हम नॉन कोलेट्रल भी दे देंगे, कोलेट्रल भी दे देंगे। अगर आप यही मैं यूनियन बैंक का कोलेट्रल के साथ लेती गाइज, तो ट्रस्ट में मुझे ये 9.38 में मिल जाता, इतने कम है, बट अभी मुझे मिला है 9.8 में। तो ये प्रोसीजर था, देन आई हैव रियली टॉक टू देम और ऑन कॉल ही सब कुछ चला, क्योंकि वीमेक स्कॉलर्स डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे मेरे लिए। और उसके बाद जो मैनेजर हैं वो आए घर पे, उनकी एक विजिट हुई थी मेरे घर पे, और उन्होंने चेक किया, मतलब नॉर्मल विजिट थी, ऐसे कुछ डेप्थ वेरिफिकेशन नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे। तो गाइस सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरी एकेडमिक रिपोर्ट्स मांगी, लाइक मेरा ग्रेजुएशन एंड ऑल। इसके बाद मुझे एक्सपीरियंस था, तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस लेटर, मेरी सैलरी स्लिप, मेरा ITR और मेरे 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। और यहाँ पे आपको सिविल स्कोर भी देना पड़ता है, बट सिविल स्कोर वो खुद से ही निकाल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर से कहीं भी से फैच करके नहीं देना। नाउ डॉक्यूमेंट्स, अब अगला क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए स्पॉन्सर, वो आपके मॉम हो सकते हैं, आपके डैड हो सकते हैं। मैंने देखो ये नहीं पूछा कि मेरे कोई रिलेटिव हो सकते हैं नहीं, क्योंकि ऐसे कोई थे नहीं मेरे उसमें, तो मैंने अपने मॉम डैड के बारे में पूछा था, जिसमें से मेरे डैड के अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं बट वो पेंशनर भी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे डैड को स्पॉन्सर ऐड किया और मेरे डैड की जो डॉक्यूमेंट्स लगे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद उनका जो पेंशन आता है वो वाला स्टेटमेंट लगा है, सैलरी स्लिप और जो भी उनका बैंक स्टेटमेंट है उसकी लास्ट 6 महीने की उनकी लाइक ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट लगी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पापा का 2 साल का ITR लगा है, क्योंकि वो मेरे मेन स्पॉन्सर है, तो स्पॉन्सर का ITR जरूरी होता है। स्पॉन्सर के ITR की कोई लिमिट उन्होंने मुझे नहीं बताई, क्योंकि हमारा 5 लाख ऑलमोस्ट था, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी आपके ITR की। तो आप अपने ITR प्रोवाइड करो, ITR प्रोवाइड करने के बाद आपको 3 से 4 फॉर्म मिलते हैं बैंक से। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपके आपके और आपके डैड के दोनों की डिटेल्स जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी की भी डिटेल्स देनी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या एप्लीकेशन एंड फॉर्म्स मैंने यहाँ पे फिल किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना है, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपकी अपनी और अपने डैड की इन्फॉर्मेशन आएंगी, मतलब आपके स्पॉन्सर की फोटो के साथ आपको साइन करके देना है। तो कुछ फॉर्मल डिटेल्स आपको भरनी है। तो गाइज यहाँ पे सेकंड पेज में आपको मैंने बताया पूरी अपनी, आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस लिखनी है और कितना लोन आपको रिक्वायरमेंट है।
तो इस ये जो मतलब ये जो स्कीम है यूनियन बैंक के अंदर, यहाँ पे सिर्फ 40 लाख तक का ही लोन मुझे मिल सकता था नॉन कोलेट्रल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको भरने पड़ते हैं कॉमन रिटेल लोन एप्लीकेशन फॉर्म, मेरे और मेरे डैड के दोनों के हमने ये फिलअप करे। इसमें बेसिकली आपकी अपनी डिटेल्स होती हैं, और मुझे थोड़ा हेल्प ये मिल गई थी कि मुझे ये बोल दिया गया था आपको जितनी चीजें भरनी आप भर दो, अगर समझ नहीं आ रहा आप छोड़ दो, बाकी दे विल फिल फ्रॉम देयर साइड, क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। केवल ये 3 चीजें मैंने उन्हें भर के दी हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये फॉर्म आपको बैंक से खुद मिलेगा। इसके बाद जाके जब मैनेजर ने विजिट कर लिया, अगर एक बैंक अकाउंट खोला गया है मेरा सेविंग अकाउंट, जिसमें 5000 तक का जो अमाउंट था मैंने यहाँ पे करके उसे होल्ड करा है, और 5000 पे इसलिए होल्ड किया है ताकि जब तक डिसबर्समेंट नहीं होता वो अमाउंट होल्ड रहेगा, एक बार फर्स्ट डिसबर्समेंट हो जाता है वो अमाउंट मुझे वापस कर देंगे, और वैसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज होता है अगर आप लोन नहीं लोगे। एंड एट द एंड आई गॉट माई सेंक्शन लेटर, और ये जो सेंक्शन लेटर है गाइज ये करीबन है 9-10 पन्ने का, तो ये आप रीड आउट कर सकते हो। 7 दिन लगे थे, 7 दिन में मुझे मेरा लोन प्रॉपर मिल चुका था, मुझे ज्यादा इश्यूज नहीं आए। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज एक डॉक्यूमेंट और था, सॉरी मैं ये भूल गई थी आपको बताना, ये है आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड गारंटर। ये सिंपल सा फॉर्म है, ये आपको और आपके डैड का दोनों का भरा जाएगा, ये आपके स्पॉन्सर का, ये भी आपको फिल आउट करके देना है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आपको लाइक बैंक प्रोवाइड करेगा वो आपको फिल आउट करके देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है बैंक को। तो अगर ये करते हो यूनियन बैंक में जाते हो तो सब कुछ इजीली हो जाएगा, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीमियम लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कोलेट्रल लगाना पड़ेगा, कोलेट्रल के टाइम पे आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करनी पड़ती है, फिर वो आपका घर वगैरह मीजर करके जाते हैं। बट ऐसी बहुत सारे लाइक स्कीम्स अलग अलग लाइक बैंक में होती है, वो आप बैंक में जाके पता कर सकते हो। बट ये जो लोन था ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हुआ, ये अप्लाई हुआ है विद्यालक्ष्मी पोर्टल के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने विद्यालक्ष्मी पोर्टल में गई, वहां पे एप्लीकेशन फिल आउट की, उसके बाद मैंने ये वाली ब्रांच का डिटेल्स डाला, क्योंकि आपको बात पहले से करनी है, उसके बाद आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल में जाकर के भरो, और लास्ट में एट द एंड वो आपसे बैंक और ब्रांच पूछेगा, वहां पे आपको सही डिटेल्स भरनी है, और मेक देम ऑन अ प्रेशर कि आपको चाहिए, आपकी डेडलाइन आने वाली है, अदरवाइज वो आपका 1-2 महीना आराम से ले लेंगे। तो मेरा सेंक्शन लेटर 7 दिन में आ गया, उसके बाद मैंने चेंज कराया है RMIT यूनिवर्सिटी के लिए, वो भी मुझे इजीली प्रोवाइड हो गया। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव गॉन थ्रू थ्रू आउट माय लाइन लोन प्रोसेस। बट ये इजी तो नहीं था जब इनिशियली पता चला था इस चीज के बारे में, बट आप वीमेक स्कॉलर से हेल्प ले सकते हो, ज्ञानधन से हेल्प ले सकते हो, और चाहो तो खुद भी बात करते हो। बट अगर आप वीमेक स्कॉलर और ज्ञानधन से बात करवाते हो ना, तो सो दे प्ले अ रोल ऑफ अ मीडियम जो कि आपको और बैंक को कनेक्ट करता है। तो आपको ना अगर आप इनिशिएटिव लोगे खुद से तो मे बी बैंक आपको सही से रिस्पॉन्स ना करे, बट अगर वो लोग करते हैं तो लोग बहुत जेंटली आपको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तो ये किया था। अगर आप और मोर डिटेल जानना चाहते हो उसके बारे में तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरा पूरा लोन प्रोसेस आपको पता चल गया होगा, कि मेरा कोई ज्यादा डीप वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कि क्या डॉक्यूमेंट से कोई घर मेजरमेंट नहीं हुआ, मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, मेरे स्पॉन्सर के क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म सर ने भरे, और कितने दिन में मेरा सेंक्शन लेटर आ गया। अभी मैं जब फर्स्ट डिसबर्समेंट कर दूंगी मेरा जो ये 5000 होल्ड किया है वो भी वापस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज, कि आई होप वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बी विथ मी इन दिस होल प्रोसेस, एंड आई लेट यू नो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड गलतियां हो रही है जो आपको नहीं करनी है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है वीजा रिफ्यूजल के ऊपर, प्लीज उसे चेकआउट करो, आपको पता चलेगा वीजा रिफ्यूजल क्यों हो रहा है। हरी भरी में कोई भी काम मत करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा इज अ बिग टास्क, ट्रस्ट मी इट्स अ बिग टास्क, लेंथी प्रोसेस है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दिस इज ऑल यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशंस ऑफ इट। सो बाय, टेक केयर गाइज, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।